Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aishu Joshi and you are watching me on the channel of Achievers. As we all know कि हम daily basis पे द हिंदू का editorial analysis लेते हैं, उसी के अलावा हम सारे important news articles को भी cover करते हैं जो कि आपके exam point of view से important हो जाते हैं, चाहे वो prelims हो चाहे वो mains हो. Okay, so that it will help you to go through the today's news paper. Okay, so it's 14th May today and Thursday here. So let's start today's news analysis. The first article जो आया है वो है major stimulus package for MSMEs. मैं आपको बता दूँ कि TDS TCS rates जो है वो 25% तक अगले साल के लिए कट की गई है. नेक्स्ट ईयर के लिए पीएफ जो है वो पेमेंट्स जो है पीएफ पेमेंट्स उन्हें भी रिड्यूस किया गया है, 12% से 10% कर दिया गया है अगले 3 महीने के लिए. मैं आपको बता देती हूँ कि फिनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन, उन्होंने कुछ स्पेशल पैकेजेस अनाउंस किए हैं, कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट्स किए हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत. ओके, जैसा कि आप सभी जानते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो है एक अनाउंसमेंट किया था, इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया था, उसके तहत उन्होंने सेल्फ जो है हम कह सकते हैं सेल्फ रिलायंस की बात की थी. और इसके अलावा उन्होंने कोशिश की थी कि हम खुद के लोकल जो है बिजनेस उन्हें जो है फ्लोरिश करने का काम करेंगे, ना कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बल देंगे. हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लेवल पे एमएसएमईज और सेल्फ जो हम कह सकते हैं लोकल बिजनेस जो है लोकल या सेल्फ बिजनेस, हम उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे. उसी के तहत उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपये का एक बड़ा पैकेज भी अनाउंस किया था इस सेक्टर के लिए. इसके अलावा उसी सीरीज़ में फिनेंस मिनिस्टर ने एक जो है पैकेज के को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट जो है जो मेजर्स जो है वो हमारे सामने रखे हैं. ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ स्मॉल बिजनेस के लिए भी अनाउंसमेंट किए गए हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए भी किए गए हैं, या टैक्स पेयर जिसे हम कह सकते हैं उनके लिए भी किए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए भी किए गए हैं और फिनेंशियल सेक्टर के लिए भी कुछ अनाउंसमेंट्स हुए हैं. तो ये सारे मेजर अनाउंसमेंट्स जो हुए हैं ये एमएसएमईज को प्रमोट करने के लिए, उनको जो है ज़्यादा फोकस करने के लिए हम कह सकते हैं उनको बल देने के लिए इनका अनाउंसमेंट किया गया है. और इसके तहत काफ़ी सारे ऐसे अनाउंसमेंट्स किए गए हैं निर्मला सीतारमण जी द्वारा कि जो कि टोटली फोकस करते हैं आत्म भारत या आत्मनिर्भर भारत अभियान पर. हम टोटली बेस्ड हैं अपने खुद के बिजनेस पर, खुद के एमएसएमईज पर, खुद के हम कह सकते हैं स्मॉल स्केल या जो मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं इन सब पर हम लोग बेस्ड हैं और इन्हीं को बूस्टअप करने के लिए ये पैकेज अनाउंस किया गया है. ओके, और इसी के तहत इसी कड़ी में चिदंबरम जी जो हैं जो कि कांग्रेस मिनिस्टर हैं, उसी के साथ में फॉर्मर फिनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो उनके अकॉर्डिंग इसके अंदर कहीं पर भी माइग्रेंट्स की कोई बात नहीं कही गई है इस पूरे पैकेज के अंदर. देखिए ये भी एक फैक्ट है कि हम लोग माइग्रेंट्स जो है हमारे देश के उससे बहुत उनकी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं. पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, इवन महीने डेढ़ महीने से हम लोग इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं कि माइग्रेंट सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित हुए हैं इस लॉकडाउन के फेस से या कोविड-19 से. तो उनके लिए स्पेशल किसी तरह का कोई पैकेज जो है अनाउंस नहीं किया गया है इसके अंदर, ये बात यहाँ पर की गई है. सो इट इज़ टू सी कि ये पैकेज किस किस हद तक प्रॉफिटेबल होता है, ये आने वाले दौर में आने वाले टाइम में पता चलेगा. नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इंडिया ने रिकॉर्ड जो किए हैं केस लास्ट वन डे में 24 आवर्स में, दिस इज़ 3,525. तो देखिए कंटिन्यूसली केसेस जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, 77,000 प्लस केसेस जा चुके हैं. तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम लॉकडाउन के फेज़ में भी इतने केसेस कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं. और अब जब लॉकडाउन को काफ़ी हद तक खोल दिया गया है, लॉकडाउन खोलने की बात नहीं कह सकते हम, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक जो है फिनेंशियल एक्टिविटीज़ या इंडस्ट्रियल या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जहाँ स्टार्ट कर दी गई है वहाँ पे इस तरीके की जो केसेस की दर जो आ रही है कंटिन्यूसली सामने, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टेंशन क्रिएट करती है. ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ इज ताइवान वॉन्ट्स टू ज्वाइन हैंड्स विथ इंडिया. ताइवान इंडिया के साथ में हैंड्स जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि मिल करके और आगे कार्य करना चाह रहे हैं कोविड-19 के दौर में. हम बता दें कि फॉरेन मिनिस्टर जोसेफ वू ने कोविड-19 के चलते कोविड-19 से लड़ने के लिए ये जो है द हिंदू के एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हम इंडिया के साथ में ज्वाइंट हैंड के थ्रू
कोविड-19 से निपटने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट मेजर्स फॉलो करना चाह रहे हैं। हम लोग मिलकर कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करेंगे जो कि कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होगी, या हम कह सकते हैं हमारे लिए मददगार सिद्ध होगी। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी जो पर्टिकुलर कंट्री द्वारा इस तरह का स्पेशल जो है हैंड, हम कहते हैं कि आगे हाथ बढ़ाना और हमारे साथ में हेल्पिंग हैंड की तरह कार्य करना, या खुद इनिशिएट करके ये चीज़ हमें कहना कि वो हमारे साथ कार्य करना चाहते हैं, एक अपने आप में एक बहुत अच्छी और बहुत गुड रिलेशंस मेंटेन करने की बात आती है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ CAPF कैंटीन्स टू गो स्वदेशी। मैं आपको बता दूं कि CAPF की जो कैंटीन्स है वो उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स यूज़ आते हैं वो सब तरीके के होते हैं, जिसके अंदर स्वदेशी भी होते हैं लेकिन उनसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेड मटेरियल्स होते हैं। तो आपको बता दूं कि होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह ने ये अनाउंस किया है कि हम लोग जो कि पीएम मोदी जी द्वारा जो अनाउंसमेंट किए गए हैं लोकल प्रोडक्ट्स, या हम कह सकते हैं स्वदेशी अभियान के तहत हम बेस मेजर लेवल पर, या हम कह सकते हैं कि जितने भी सीएफ कैंटीन्स होंगे उसके अंदर अब से जो कैंटीन्स में जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाएंगे वो सभी स्वदेशी होगी। इसलिए ये अनाउंसमेंट किया गया है अमित शाह द्वारा कि CAPF की सारी कैंटीन्स जो है वो अब स्वदेशी होंगी, उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स जो होगा यूज़ लिया जाएगा वो स्वदेशी ही होगा। ओके, सो लेट्स गो थ्रू द नेक्स्ट न्यूज़। देखिए ये एक न्यूज़ है, कर्व्स रिलैक्स्ड बट लाइफ फार फ्रॉम नॉर्मलसी। मैं आपको बता देती हूँ कि काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, काफ़ी लोगों को इस बारे में जो है अनुमति भी दी गई है कि वो अपने वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने इकोनॉमी से रिलेटेड जो वर्क है, इम्पॉर्टेंट वर्क है, इनिशियल जो वर्क करते थे करते आ रहे हैं वो उसे स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन देखिए बहुत सारी चीज़ों को नॉर्मल होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में जितने भी वर्कर्स हैं वो माइग्रेंट्स हैं और वो अपने अपनी जो स्टेट्स में अपने 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 गाँवों में अपनी सिटीज़ की तरफ कूच कर चुके हैं, या हम कह सकते हैं वहाँ पर जा चुके हैं, तो अब इंडस्ट्रीज़ में ये इशू आ रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो स्टार्ट कर दी है गवर्नमेंट ने, लेकिन अब हम लोग वर्कर्स कहाँ से लेकर आएँ, क्योंकि सारे वर्कर्स अपने अपने गांव को अपने अपने शहरों को जा चुके हैं। उस कंडीशन में वर्कर्स का ना मिल पाना इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा जो है हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट कर रहा है वापस अपनी नॉर्मलसी आने में, या वापस अपनी एक्टिविटीज़ को रीजनरेट करने में। उसी के बीच में ये तो थी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की बात, इसी के बीच जो हम कह सकते हैं प्राइवेट वर्कर्स हैं वो अभी भी एट प्रेजेंट वो भी जो है काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं, काफ़ी सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे जॉबलेस हो चुके हैं, काफ़ी सारे लोग जॉबलेस हो चुके हैं। तो उन जॉबलेस जो पर्सनस हैं उनको वापस न्यू जॉब कब कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क क्रिएट कर रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट इज़ दीज टाइप ऑफ पीपल विच यू कैन सी इन दीज पिक्चर्स, जो मैकेनिक्स हैं, जो कि पेंटर्स हैं, जो छोटे बड़े छोटे मोटे डेली बेसिस पर अपना गुजारा करने वाले जो लोग हैं, ये लोग भी काफ़ी सफ़र कर रहे हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के चलते काफ़ी सारे जो सेक्टर्स हैं जहाँ पर लोग जाना या लोग जो है इंटरेक्ट करना प्रेफर नहीं करते, तो उन क्षेत्रों में या उस फील्ड में ये भी क्षेत्र आते हैं। तो इन्हें भी हाँ काफ़ी रिलैक्सेशन ज़रूर मिला है सरकार द्वारा, लेकिन अब नॉर्मलसी आने में, अपनी लाइफ में एक नॉर्मल रूटीन आने में इन लोगों को बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ जो है, 2 वर्चुअल कोर्ट्स लॉन्च टू सेटल ट्रैफिक चालान्स। ट्रैफिक चालान्स को सेटल करने के लिए 2 वर्चुअल कोर्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसके तहत जितने भी ट्रैफिक वायलेशंस जो भी होगा वो सब डिजिटली कैप्चर होगा। 389 कैमरास लगे हुए हैं दिल्ली के अंदर, और उन 389 कैमरास के अंदर सारा डिजिटली कैप्चर होगा, और उसी के तहत 2 जो वर्चुअल कोर्ट्स हैं वो इन सब चीज़ों से, इन सारे चालानों से डील करेंगे। ठीक है, ये तो थी डेली की न्यूज़। अब हम बात करेंगे एडिटोरियल सेक्शन की। तो देखिए एडिटोरियल सेक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर से मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स काफ़ी टॉपिक्स कवर होते हैं, है ना। सो एडिटोरियल इज सम हाउ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। द नेक्स्ट न्यूज़ इज अ प्लान टू रिवाइव अ ब्रोकन इकोनॉमी। अब एक हमारी जो इकोनॉमी पूरी तरीके से जो टूट चुकी है उसे वापस से रिवाइव करने के लिए, उसे वापस स्टैब्लिश करने के लिए एक पर्टिकुलर प्लान होना चाहिए। देयर आर क्लियर
implementable steps the center can take in fiscal terms to revive the economy and support livelihoods. देखिए बहुत clear steps जो है और बहुत clear ऐसे हम कह सकते हैं implement किए जाने जैसे steps center को लेने की ज़रूरत है fiscal terms के तहत, जो कि वापस इकोनॉमी को रीजनरेट करने में या सब जो आम जीवन है लाइवलीहुड्स है उन्हें सपोर्ट करने के लिए हेल्पफुल हो सके। जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 4 की भी घोषणा कर दी है, लेकिन अपने आप में जो है ये भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उन्हें भी बढ़ा दिया है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन 4 इज़ जस्ट टू स्टॉप एवरीथिंग। लॉकडाउन 4 में काफ़ी चीज़ें स्टॉप होगी, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, काफ़ी इकोनॉमिक ऐसी सेक्टर्स हैं जिन्हें वापस कंटिन्यू किया जा रहा है। इवन अभी भी काफ़ी सारे सेक्टर्स ओपन हो चुके हैं, तो हमें कुछ ज़रूरत है कि कुछ क्षेत्रों में अगर कार्य किया जाए तो हमारी इकोनॉमी वापस लाइन पर आ सकती है, इवन काफ़ी अच्छे से हम अपनी इकोनॉमी को रिबूट कर सकते हैं। तो कौन कौन सी है, जैसे फर्स्ट आता है फूड एंड कैश ट्रांसफ़र फर्स्ट। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एडिटर, सबसे पहला जो हमारा मुद्दा आके खड़ा होता है कि हमें सबसे पहले तो गवर्नमेंट को फोकस करना होगा फूड एंड कैश ट्रांसफ़र पे, जो कि गरीब लोग हैं जो काफ़ी फेस सफ़र कर रहे हैं इन सारी चीज़ों से, जो कि अपने घर को चलाने के लिए भी प्रॉपर उनके पास लाइवलीहुड के लिए भी प्रॉपर मनी नहीं है या प्रॉपर जो है वो नहीं है सपोर्ट। तो उनके लिए सबसे पहले फूड और कैश ट्रांसफ़र करने का कार्य सरकार को करना होगा। उसके बाद में उन्हें मनरेगा, हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि महात्मा गांधी जो है एम्प्लॉयमेंट स्कीम है ये, इसके तहत जितने भी गरीब लोग हैं या जितने भी लोग हैं जो कि फिजिकली एबल हैं, वो लोग उन लोगों को दैनिक मजदूरी के आधार पर कुछ कार्य दिया जाता है और जो कार्य वो करते हैं उसके आधार पर उन्हें दैनिक जो है मजदूरी दी जाती है। तो मनरेगा को वापस अपने आप में स्टार्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क है और बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जहाँ इकोनॉमी पूरी तरीके से ठप बैठ चुकी है, काफ़ी लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उसके तहत सरकार द्वारा कार्य करवाते हुए और इट मीन्स डेवलपमेंट की तरफ जाते हुए लोगों को एम्प्लॉय करने का जो प्रोसीजर है दो चीज़ों को फॉलो करता है, एक तो इकोनॉमी रिबूट होना, एक हमारा डेवलपमेंट की तरफ जाना, और एक आम जन जो कि हम कह सकते हैं बेरोजगार हो चुके हैं काफ़ी हद तक, उन्हें रोजगार प्रोवाइड करवाना, एम्प्लॉयमेंट देना। तो अपने आप में काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स ये कवर करता है। तो हमारी ज़रूरत है कि बड़ी मात्रा में जो ये स्कीम चलाई जाती है उसे वापस से रीजनरेट करना, या हम कह सकते हैं वापस रिवैम्प करना। ओके, द नेक्स्ट इज अर्बन फोकस। अर्बन एरियाज़ को फोकस करना होगा। इट इन अर्बन एरियाज़ इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल टू रिवाइव द माइक्रो एंड स्मॉल। देखिए वैसे तो MSMEs के लिए बहुत सारे जो है हम कह सकते हैं अनाउंसमेंट्स किए गए हैं अभी हाल ही में, पिछले दो दिनों में पीएम मोदी द्वारा भी और हमारी फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा भी काफ़ी अनाउंसमेंट्स किए गए हैं, बट स्टिल वी नीड टू फोकस ऑन अर्बन एरिया। ओके, हमारी ज़रूरत है कि हम MSMEs को या स्मॉल स्केल बिजनेस स्पेशली या माइक्रो स्केल बिजनेस या मीडियम स्केल बिजनेस को काफ़ी हद तक सपोर्ट करें और उन्हीं के सपोर्ट के द्वारा ही हम खुद को ऊपर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो ज़रूरत है हमें फॉलो करने की वो है द केयर इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जनरेट करनी होगी जो हेल्थ केयर को फॉलो करते हुए इकोनॉमिक केयर्स को, हम कह सकते हैं फिनेंशियल केयर्स को ध्यान में रखते हुए उस इकोनॉमी को जनरेट करना होगा। अर्थात काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी काफ़ी सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, मोस्ट ऑफ़ द एरियाज़ मोस्ट ऑफ़ द सेक्टर्स जो है खुल चुके हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। तो उस दौर में हम ये नहीं भूल सकते कि हम लोग COVID-19 के दौर से अभी निकल नहीं चुके हैं, अभी उससे गुजर रहे हैं, दिन ब दिन केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, दिन ब दिन केसेस सामने आ रहे हैं। उन सबको जो है सॉल्व करते हुए, उन सबको फॉलो करते हुए हमारी ज़रूरत है कि हम एक ऐसी इकोनॉमी को जनरेट करें, एक ऐसी इकोनॉमी को फॉलो करें जो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखे, सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ केयर को सिस्टम को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। ठीक है, तो अगर इन तीन चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन, इन चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, टैक्सेशन या हम कह सकते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो है उनको साथ में लेकर आएँ, लोकल कंपनीज़ को साथ लेकर आएँ, इस तरीके से अगर सब चीज़ें साथ में लेकर टैक्सेशन के बेसिस पर, यूनिटरी टैक्सेशन के बेसिस पर अगर इकोनॉमी जनरेट करने की कोशिश की जाती है, तो अपने आप में हम एक बहुत
टूटी हुई इकोनॉमी को एकदम से पीक पर ले जाने का काम करेंगे। और ये सारे स्टेप्स जो है, इम्पॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं, जिन्हें हम लोग बिल्कुल इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाने योग्य भी हैं, बिल्कुल क्लियर स्टेप्स हैं और बिल्कुल हम कह सकते हैं वैल्यूबल स्टेप्स होंगे। अगर हम ये स्टेप्स उठाते हैं, इन स्टेप्स के थ्रू हम अपनी इकोनॉमी को फिर से अपने, या हम कह सकते हैं लाइवलीहुड को सपोर्ट करते हुए इकोनॉमी को फिर से अपने ट्रैक पर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकल मोटिव की। ये बात की गई है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो सेल्फ रिलायंस की बात की है, उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को फोकस करते हुए इसकी बात की गई है। इसके तहत उन्होंने सेल्फ रिलायंस की बात की है। तो देखिए, COVID-19 का दौर है, ऑलरेडी हम काफ़ी सारी, ये एक जो सत्य है उसे हम नहीं झुठला सकते कि ग्लोबल लेवल पर हम COVID-19 के इस दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ फिर काफ़ी सारे रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, काफ़ी सारी जगहों पर ऐसे जो है COVID-19 के रिएक्शन एक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि कहीं हमारा सेल्फ रिलायंस का जो मोटिव है, या हमारा सेल्फ रिलायंस का ये जो न्यू इनिशिएटिव है, ये हमें दूसरे सारे देशों से, नेशनलिस्ट हम कह सकते हैं पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है, इट इज़ अ थ्रोबैक टू द नेशनलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इंडिया एंड अदर न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस फॉलोड इन द लास्ट सेंचुरी। हमने लास्ट सेंचुरी में जो भी देखिए, हमने बहुत सारे जो है इंटरनेशनल लेवल पर डील्स किए, इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी सारे रिलेशंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने काफ़ी सारे बिजनेस फॉलो किए हैं और ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हुए चले हैं हम अब तक। 1991 में LPG मॉडल के बाद में हमने ग्लोबलाइजेशन को पीक पर रखा है अपनी इकोनॉमी में, है ना, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी काफ़ी बल दिया है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग भी हुई है और काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। लेकिन उसी दौर में अचानक से ये सेल्फ रिलायंस को फॉलो कर लेना, या हमारा जो हम कह सकते हैं कि ये जो अभियान है आत्मनिर्भर अभियान, आत्मनिर्भर भारत का अभियान, तो इसके तहत कहीं ऐसा ना हो कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस पर लेकर आए, इसकी बात इसके अंदर की गई। ये जो बिल्कुल लोकल मोटिव जो है हमारा, उसकी बात की गई कि हमने जैसे ओवरली हमने एम्बिशियस होकर के, और जिस तरीके से हमने ये घोषणा की है कि हम खुद को सेल्फ रिलायंस पर की तरफ फोकस करेंगे, या हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर जो है भारत की तरफ अभियान की तरफ जो है फोकस करेंगे, तो ये सारी चीज़ें कहीं हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को, या फॉरेन रिलेशंस को कहीं काफ़ी हद तक इम्पैक्ट जो है हम कह सकते हैं देखने को ना मिले इसका, और ना ही ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ से प्रभावित हो। क्योंकि देखिए, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो इस चीज़ से जूझ रही हैं, लेकिन एक बहुत पर्टिकुलर एक चेन बनी हुई, एक सर्कल बना हुआ है सारी कंट्रीज़ के बीच में, जिसके तहत इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स या जो ट्रेडिंग के थ्रू काफ़ी जो है फिनेंशियल इकोनॉमी, हम कह सकते हैं इकोनॉमी को बिल्डअप करने का, फिनेंशियल एक्टिविटीज़ को बिल्डअप करने का कार्य किया जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस पीएम मोदी जी के इस इनिशिएटिव के थ्रू ये सारी चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आए हमारे इकोनॉमी पर भी और दूसरे देशों की इकोनॉमी पर भी। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट, ये आर्टिकल अब ये हमें बताता है हर तरीके के एस्पेक्ट, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट भी, लेकिन हमारी ज़रूरत है कि हम उन नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े और उसी पर कार्य करें। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिक्विडिटी लाइफलाइन। द फाइनेंस मिनिस्टर डिड वेल टू ट्राई एंड ब्रेक द कॉन्फिडेंस लॉगजैम इन द क्रेडिट मार्केट। देखिए, क्रेडिट मार्केट में बहुत सारा हम कह सकते हैं कि इश्यूज अभी देखने को मिल रहे हैं एट प्रेजेंट हमें। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निर्मला सीतारमन जी ने बहुत इम्प्रेसिव कोशिश की है, और उनका जो स्पीच था या उनके जो अनाउंसमेंट थे, वो अपने आप में काफ़ी हद तक इम्प्रेसिव थे, और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ ही बहुत रिलैक्सिव अनाउंसमेंट्स किए हैं उन्होंने। तो काफ़ी हद तक जो क्रेडिट मार्केट है हमारा, उनको इन चीज़ों से काफ़ी फ़ायदा होगा। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से ये सारे जो है अनाउंसमेंट्स है वर्क करेंगे, कैसे डिपार्टमेंट सारे वर्क करेंगे, और किस तरीके से ये आगे लेकर जाएंगे हमारी इकोनॉमी को। द नेक्स्ट न्यूज़ इज प्रोवाइड इनकम सपोर्ट रीस्टोर जॉब्स। ये जो है रदिका कपूर एंड आर नागराज तो जी द्वारा जो एडिटोरियल जो दिया गया है, आर्टिकल दिया गया है हमें, इसके तहत प्रोवाइड इन्होंने कहा है कि हमें इनकम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए और साथ ही जॉब्स रिस्टोर की जाए। ऑन द कॉन्ट्ररी, स्क्रैपिंग लेबर लॉज विल ओनली रिड्यूस वेजेस, लोअर अर्निंग्स एंड रिड्यूस कंज्यूमर डिमांड।
आपको पता है पिछले कई दिनों से काफ़ी न्यूज़ में हम डिस्कस भी कर चुके हैं, लेबर लॉज को रिमूव करने की या जो हम कह सकते हैं ख़त्म करने की बात जो है लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा की जा रही है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसे स्टॉप करने की ज़रूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। एक नॉर्मल गाइडलाइन या एक कॉमन गाइडलाइन जारी करते हुए सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि राज्य सरकार ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे कि लेबर्स को किसी तरह की कोई मुसीबत का सामना करना पड़े। हम जानते हैं कि बिजनेस लॉस में है, बिजनेस जो है वो भी अपने लेवल पे काफ़ी लॉस में चल रहे हैं, लेकिन उनको ट्रैक पर लाने के लिए हमें लेबर्स को जो है उस वर्स्ट कंडीशन में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वी नीड टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वे जिससे कि लेबर्स को भी कोई लॉस ना हो और जो बिजनेसमैन हैं उन्हें भी प्रॉफिट में हो, कोई लॉसेस का सामना या जो अब तक लॉसेस उन्होंने फेस किए हैं उसको फुलफिल किया जा सके। ठीक है, सो ये आर्टिकल था प्रोवाइड इनकम सपोर्ट रीस्टोर जॉब्स, वापस से जॉब्स रीस्टोर करते हुए इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करने का, कि वेजेस जो वेजर हम कह सकते हैं जो वेजेस हैं उनको रिड्यूस करना अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा कोई प्रावधान, ऐसा कोई कानून आपको प्रगति की ओर लेकर नहीं जाएगा। हमारी ज़रूरत है कि हम मैक्सिमम लेवल पे जो लेबर जो हैं उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करवाएं, उसी के साथ में हमारे बिजनेस को बूस्टअप करने की कोशिश करें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, लोअर अर्निंग्स या वेजेस रिड्यूस करना या कंज्यूमर डिमांड को रिज्यूम करना, तो ये सारी चीज़ें लेबर लॉज को स्क्रैप अप करती है। तो हमारी ज़रूरत है कि हमें इन सब चीज़ों को, कॉन्ट्ररी चीज़ों को जो है ओवरकम करते हुए, लेबर लॉस को ध्यान में रखते हुए, उनको सिक्योर करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ गाइडलाइंस देनी होगी जिसके तहत वो इस तरह का कोई कदम ना उठाए जिससे कि लेबर्स को जो है नुकसान का सामना करना पड़े या लेबर्स को का किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स, ऑलरेडी वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं कोविड-19 के दौर में। अब ये एक नया जो है हम कह सकते हैं कि बिल्कुल भी सपोर्टिव एलिमेंट नहीं होगा अगर इस तरह का कोई कदम उठाया जाता है केंद्र राज्य सरकारों द्वारा। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट दी लेबर लॉस। सो आज हमने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस किए जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो सारे आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि ये अ प्लान टू रिवाइव ब्रोकन इकोनॉमी। इसके अलावा जो आपको पूरा जो अनाउंसमेंट देखना होगा, जितने भी अनाउंसमेंट्स हैं उनके नोट्स बनाइए जो कि निर्मला सीतारमन जी ने किया है, जो भी घोषणाएं की गई है निर्मला सीतारमन जी द्वारा फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, उनको एक जो है लिस्ट आउट कीजिए, प्रॉपर लिस्ट बनाइए, प्रॉपर जो है नोट्स बनाइए, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल होंगी। मैं आपको बता देती हूँ सेकेंड अनाउंसमेंट है ये उनका, फर्स्ट अनाउंसमेंट उनके द्वारा पहले किया जा चुका है इस लॉकडाउन के दौर में। तो इस तरीके से ये सारे नोट्स जो आप बनाएंगे ये सब आपके लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि हमेशा इकोनॉमिक एस्पेक्ट से काफ़ी क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में, है ना। तो अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो इकोनॉमिक लेवल पे करंट अफेयर्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। सो प्लीज़ गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन्हें अलग नोट्स बनाइए। उसके अलावा जैसे ताइवान इंडिया का रिलेशनशिप है तो ये इंटरनेशनल रिलेशन को फॉलो करता है, तो उसके लिए अलग नोट्स बनाइए। इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट नोट्स बनाएंगे, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे। ओके, ये आपके लिए रिविजन नोट्स बन जाएंगे जिसको आप अपने एग्जाम टाइम पे वापस रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, हैव अ ग्रेट डे, सी यू टुमारो अगेन, बाय बाय, टेक केयर।